तो दोस्तों क्या हो रहा है, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं यहां पर बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 25,000 की रेंज में। अगर आपका बजट है 25,000 रुपये का और 25,000 रुपये की कीमत में आप एक अच्छा सा बेस्ट स्मार्टफोन लेने को सोच रहे हैं और आपने मन बनाया है कि आप एक अच्छा सा बेस्ट स्मार्टफोन लेंगे 25,000 रुपये की कीमत में, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहां पर तीन ऐसे बेस्ट स्मार्टफोन बताने वाला हूँ जिनको लेने के बाद आप यही कहेंगे कि मैंने एक अच्छा ही और बेस्ट स्मार्टफोन लिया है भाई की वीडियो देखने के बाद। तो आपको इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आके बताना है कि अगर आपने एक बेस्ट फ़ोन खरीद लिया है मेरी वीडियो देखने के बाद। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियोज़ के लिए। चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको ये तीनों बेस्ट स्मार्टफोन। तो सबसे पहले तीसरे नंबर पे मैं आपको जो बेस्ट स्मार्टफोन बताने वाला हूँ वो है MI की तरफ से 10i 8GB रैम वाला। ये फ़ोन आप लोगों को बहुत ही अच्छा पड़ने वाला है और ये फ़ोन आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। अगर देखें तो इस फ़ोन में आप लोगों को अच्छी स्पेक्स और अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। फ़ोन देखने में बहुत ही स्टाइलिश लगता है और चलाने में और बाकी चीज़ों में भी बहुत ही ज़बरदस्त निकल कर आता है। चलिए जानते हैं इस फ़ोन की स्पेक्स और प्राइस। अगर बात करें इस फ़ोन की तो आप लोगों को ऑक्टाकोर 2.2 गीगाहर्ट्ज़ का स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर मिलता है जो कि एक पावरफुल एंड एफिशिएंट प्रोसेसर है, गेमिंग वगैरह के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। 8GB रैम मिलती है और 128GB का इंटरनल स्टोरेज आप लोगों को इस फोन में मिल जाता है जिसको आप 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को इस फोन में 6.67 इंचेस की फुल HD 120Hz के रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जहां पर आप लोगों को कर्व डिस्प्ले मिलती है, डॉट नॉच डिस्प्ले मिलती है। साथ ही साथ आप लोगों को इस फोन में कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त मिलती है। यहां पर आप लोगों को 108x108 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त कैमरा निकल कर आता है। 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर देखने को मिलता है, जहां पर आप लोगों को 16 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा देखने को मिल जाता है। कैमरा परफॉर्मेंस आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है फ्रंट और रियर से। रियर में भी आप लोगों को ज़बरदस्त मिलने वाली है और फ्रंट में आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त कैमरा परफॉर्मेंस मिलने वाली है। बैटरी की बात करें तो 4820mAh की बड़ी बैटरी आप लोगों को इस फोन में मिल जाएगी। साथ ही साथ आप लोगों को इस फोन में फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन और USB Type-C पोर्ट आप लोगों को इस फोन में मिल जाता है और यहां पर आप लोगों को गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन भी मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छा फ़ोन निकल कर आता है। साथ ही साथ अगर बात करें इस फ़ोन के प्राइस की तो ये फ़ोन आप लोगों को 23,999 रुपये की कीमत में ये फ़ोन मिल जाता है। बहुत ही अच्छा फ़ोन है 23,999 रुपये की कीमत में, मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि कर्व डिस्प्ले आप लोगों को मिल रही है। साथ ही साथ आप लोगों को इस फ़ोन में अच्छी परफॉर्मेंस भी मिलेगी, तो ये फ़ोन के साथ भी आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं अपने यहाँ पर दूसरे स्मार्टफोन की। दूसरा हमारा जो फ़ोन निकल कर आता है वो है MI का 11 Lite। जी हाँ दोस्तों, ये 10i से ऊपर का फ़ोन है। अगर देखें तो MI 11 का ये लाइट वर्ज़न है, बहुत ही अच्छा फ़ोन निकल कर आता है। लाइट वर्ज़न है इसलिए आप लोगों को कम कीमत में मिल रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ही ज़बरदस्त है, लाइट से भी ज़्यादा। तो चलिए जानते हैं इस फ़ोन की स्पेक्स और प्राइस। अगर बात करें इस फ़ोन की तो आप लोगों को ऑक्टाकोर 2.3 इसका स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर मिलता है जो कि एक पावरफुल एंड एफिशिएंट प्रोसेसर है, जहाँ पर आप लोगों को 6GB रैम मिलती है और 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। साथ ही साथ आप लोगों को 512GB तक आप इसको फ़ोन को एक्सपैंड कर सकते हैं। 6.55 इंचेस की आप लोगों को फुल HD AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, जहाँ पर आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी डिस्प्ले मिल जाती है, जहाँ पर पंच होल डिस्प्ले मिलती है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर। देखने में फ़ोन बहुत ही स्टाइलिश लगेगा आप लोगों को। कैमरे की बात करें तो आप लोगों को इस फ़ोन में 64+8+5 मेगापिक्सल का आप लोगों को ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा LED फ्लैश लाइट के साथ और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है। बैटरी की बात करें तो 4250mAh की बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन और USB Type-C पोर्ट मिल जाता है, जहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन भी आप लोगों को मिल जाता है। तो फ़ोन बहुत ही अच्छा निकल कर आता है, फ़ोन देखने में बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त लगता है। अगर बात करें इस फ़ोन के प्राइस की तो ये फ़ोन आप लोगों को बहुत ही कम कीमत में मिल जाता है। 22,999 रुपये की कीमत में आप इस फ़ोन को बाय कर सकते हैं। फ़ोन की कीमत और स्पेक्स के मामले में बहुत ही नंबर 1 निकल कर आता है। अब बात करेंगे यहाँ पर हम अपने पहले स्मार्टफोन की। पहला फ़ोन हमारा निकल कर आता है Realme की तरफ से, Realme X7 Max। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा फ़ोन है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अगर देखा जाए तो ये 25,000 रुपये की कीमत में बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन निकल कर आता है।
चलिए जानते हैं इस फोन की स्पेक्स और प्राइस। परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑक्टा कोर 3 GHz से आप लोगों को मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 प्रोसेसर देखने को मिलता है 8 GB रैम और 128 GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। यहाँ पर 6.43 inches की आप लोगों को फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। तो डिस्प्ले बहुत ही अच्छी मिलती है, जहाँ पर आप लोगों को इसकी डिज़ाइन बैक और फ्रंट से बहुत ही ज़बरदस्त मिलती है। डिस्प्ले की बात करें तो आप लोगों को एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है। जहाँ पर अगर बात करें कैमरे की तो 64+8+2 MP का आप लोगों को ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है LED फ्लैश लाइट के साथ, और 16 MP का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है। जहाँ पर अगर बात करें बैटरी की तो 4500 mAh की बड़ी बैटरी, सुपर डार्ट चार्जिंग का ऑप्शन और USB Type-C पोर्ट आप लोगों को इस फ़ोन में मिल जाता है। तो फ़ोन बहुत ही ज़बरदस्त निकल कर आता है। अगर इस फ़ोन के प्राइस की बात करें तो ये फ़ोन आप लोगों को 24,999 रुपये की कीमत में मिलता है, यानी कि 25,000 रुपये की कीमत में आप इस फ़ोन को बाय कर सकते हैं। फ़ोन की कीमत बहुत ही अच्छी है, उसके हिसाब से फ़ोन अगर देखा जाए तो आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त मिल रहा है। अब आप लोग मुझे बताइए कि आप कौन सा लेने को सोच रहे हैं, इन तीनों फ़ोन्स में से कौन सा फ़ोन लेना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो भी अगर फ़ोन कोई लेना चाहता है उसको ज़रूर शेयर करिएगा ये वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाल वाले बटन को दबा कर, और हमारी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, जय हिंद।